गरुड़ के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा का सम्मान किया। गंगा के जल को पवित्र करने की जो मुहिम मोदी जी ने छेड़ी वो कुंभ में पूरी दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी से काम कर 5 वर्षों में विश्व के अन्य देशों से कोई कर्ज न लेकर पुराने कर्ज को भी वापस करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए काफी प्राथमिकता दी। बागेश्वर की दोनों विधानसभाओं में 45 डॉक्टर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंडवे के बिस्किट से आज बागेश्वर की कई महिला समूह देश और प्रदेश में छाए हुए हैं। इसके साथ ही पिरुल से बिजली बनाने का काम भी किया जा रहा है। जिस चीड़ को लोग हानि का कारण समझते थे उससे रोजगार भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र भाई मोदी को बहुत पसंद करती है और नरेंद्र भाई मोदी जी का भी उत्तराखंड के प्रति भारी लगाव है। देखिए ऑल वेदर रोड जैसा यहाँ पर दिया गया, भारत माला योजना के अंतर्गत लगभग 900 करोड़ की सड़कें यहाँ पर बनेगी, 11,700 करोड़ की ऑल वेदर रोड है, 1600 करोड़ रुपए का जो रेलवे का काम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है वो यहाँ पर चल रहा है, हमारी टनकपुर बागेश्वर और कर्णप्रयाग रेल कनेक्टिविटी के लिए 120 करोड़ रुपया उसके सर्वेक्षण के लिए कर दिया गया है। मुद्दे हमारा पिछला 5 साल का विकास है। हमने जो देश की आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी उत्तराखंड राज्य के इस सीमांत क्षेत्र जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर संसदीय क्षेत्र है, इस की नेपाल चाइना तिब्बत की बॉर्डर से लगा हुआ है जो क्षेत्र है, इसमें जो विकास पिछले साल 5 साल में किए हैं वो आज तक के इतिहास में कभी हुए नहीं है। चाहे वो ऑल वेदर रोड के माध्यम से है, चाहे भारतमाला के माध्यम से है, चाहे 4,000 से ऐसी छोटे छोटे बड़े ग्राम पंचायतें और तोक हैं जहाँ बिजली कभी नहीं पहुँची थी, उन जगहों पर हमने बिजली पहुँचाने का काम किया है, हर घर को गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। संवाद 360 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।